This is V.K. Prasad, and today we are going to discuss class 12 physics and our topic potential due to source charge and point charge. Okay, so first topic, potential difference due to the source charge. So first thing, what is a potential difference? The amount of work bringing a charge, unit charge, in an electric field one point to another point. So first question, who is responsible for the electric The source charge is responsible for the electric field. कैसे मालूम चलेगा? तो electric field किसी charge पे force apply करता है, तो हमें मालूम चलता है कि इस charge के around एक field है, और वहाँ से charge को हटाना, charge को उस field के position से इधर से उधर ले जाने के लिए हमें कुछ work करनी होती है. This is called potential. तो potential कोई नई चीज नहीं है, एक तरह का amount of work है. This is a characteristics of charge. मान लो board एक electric field है और इसके अंदर ये चिपका हुआ है किसी फोर्स से, और मैं इसको खींच के यहाँ से यहाँ ले जा रहा हूँ, तो क्या मैंने कुछ वर्क किया? इसी वर्क को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल. सिंपल थियरी, कोई नई फिजिक्स नहीं है, डोंट वरी. ओके, हमने एज्यूम किया एक सोर्स चार्ज क्यू. क्यू क्या है? एक प्लस का सोर्स चार्ज है जो कर क्या रहा है, एक फील्ड डेवलप कर रहा है. क्या डेवलप कर रहा है? एक फील्ड. मान लो इसका ये फील्ड है, इसने ये फील्ड डेवलप किया है. क्या डेवलप किया है इसने? ये फील्ड इसने डेवलप किया है इस तरीके से. इसने ये देखो फील्ड डेवलप किया है, बड़ा जबरदस्त फील्ड डेवलप किया है इसने. ओके, इसने फील्ड डेवलप किया है. अब मुझे क्या करना है? इसमें एक पॉइंट यहां से चार्ज को बी पोजीशन से इस पोजीशन तक लाने में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, हमें इसको एनालाइज करना है. कहाँ तक? इसको यहाँ तक. ऑफिशियली जैसे जैसे मैं इधर बढ़ते जाऊंगा, अगर आप इधर से इधर की तरफ आओगे तो क्या होगा? ये इंक्रीज इलेक्ट्रिक फील्ड. याद रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इंक्रीज होगा. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब फोर्स भी क्या होगा? इंक्रीज होगा. यानी कि यूनिफॉर्मली फोर्स तो नहीं लग रही है. अच्छा, यहाँ से अगर मैं इधर जाऊं तो डिक्रीज होगा. डिक्रीज व्हाट? ई एंड एफ बोथ, दोनों ही क्या होंगे? डिक्रीज होंगे. ओके, मैंने एज्यूम किया कि इस सोर्स चार्ज से इस पी बी तक का डिस्टेंस आर बी. क्या एज्यूम कर लिया मैंने? इसको आर बी एज्यूम कर लिया, और इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने आर ए एज्यूम कर लिया. ओके, यहां तक क्लियर हुआ? ओके, अब मुझे एक सोर्स चार्ज को, एक टेस्ट चार्ज को, एक ऑब्जर्वेशन चार्ज को इस फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना है. कहां से कहां तक? बी से ए तक ले जाने में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, हमें ये बतानी है. दिस अ मेजर क्वेश्चंस, ये हमारा टॉपिक है. ओके, सो वी नो दैट वी ए बी इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू. इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर? तो हमें डब्ल्यू ए बी नहीं मालूम है, ये हमें निकालना है. मैंने क्या किया, एक छोटा सा सेक्शन हमने एज्यूम कर लिया. ये इतना छोटा सेक्शन है कि इस सेक्शन में आप यहां से यहां तक फोर्स में कोई नो चेंज किसमें? नो चेंज इन फोर्स में कोई चेंज नहीं हो रहा. अगर चार्ज को इस वाले पॉइंट से बी डैश से ए डैश तक ले जाऊं तो इतना छोटा सा सेक्शन है. इस सेक्शन को मैंने एज्यूम कर लिया डी एक्स. क्या एज्यूम कर लिया मैंने? इसको डी एक्स एज्यूम कर लिया, और एक चार्ज को मैं यहाँ से यहाँ तक इधर ला रहा हूँ. राइट, फोर्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट एग्जिस्ट करेगा. ओके, अब समझो ये फोर्स है, ये चार्ज है, और इस चार्ज को इधर लाएंगे तो ये वाला इस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा. बात को समझेंगे, ये चार्ज एक फील्ड डेवलप करेगा, और इस चार्ज पे क्या होगा? इस चार्ज पे फोर्स अप्लाई करेगा इधर की तरफ. ओके, अपोज फोर्स. ओके, लेकिन मेरा डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा? फोर्स हो गया इधर, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो गया? यहाँ. बात को समझेंगे, फोर्स इधर हो गया और डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया. तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इसके लिए लेट द अमाउंट ऑफ वर्क इन ए स्मॉल सेक्शन ए डैश बी डैश इज डी डब्ल्यू, शुड बी वेरी स्मॉल. अगर डिस्प्लेसमेंट कम है तो अमाउंट ऑफ वर्क डन भी क्या होगा? काफी स्मॉल होगा.
बात को समझेंगे। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होता है, डी डब्ल्यू फोर्स का फॉर्मूला एफ इंटू डी एक्स इंटू कॉस थीटा। जनरल यहां पे आ जाओ, डब्ल्यू क्या होता है एफ एस कॉस थीटा। अब यहां समझिए, हियर थीटा इज व्हाट, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कहां काम कर रहा है, यहां देखिए फोर्स काम कर रहा है इधर एक चार्ज पे, और डिस्प्लेसमेंट कहां चल रही है इधर। इस मींस के इसके बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री, कितना है बीच का एंगल 180 डिग्री। सो अमाउंट ऑफ वर्क डन डी डब्ल्यू किसके इक्वल हो गया, एफ इंटू डी एक्स कॉस 180। सो कॉस 180 इज माइनस 1, कॉस 180 क्या होगा माइनस 1 होगा। तो डी डब्ल्यू कितना हो गया एफ इंटू डी एक्स। ओके यहां समझो, ये जो हमने सेक्शन एज्यूम किया है डी एक्स, इसका यहां से जो डिस्टेंस है उसको मैंने क्या बोल दिया एक्स। याद रहे कि एक्स हम यहां से भी मान के चल रहे हैं और एक्स हम यहां से, ये सेक्शन बहुत छोटा है, बहुत छोटा सेक्शन है, तो दोनों के डिस्टेंस क्या होगा इक्वल होगा। ओके सो हमारे पास डी डब्ल्यू कितना हो गया, फोर्स 1/4πε0 क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू माइनस 1, क्या आ गया माइनस 1। सो डी डब्ल्यू कितना हो गया यहाँ पे 1/4πε0 क्यू क्यू कैन बी राइट माइनस 2 इंटू डी एक्स। ओके अब इसका क्या कर देंगे हम लोग, इंट्रीगेशन, इंट्रीगेशन टेक बोथ साइड। सो कैन बी राइट डी डब्ल्यू कहाँ से कहाँ तक, बी से ए तक, बी से ए तक लाने में अमाउंट ऑफ वर्क डन फाइंड करना हमें। ओके माइनस 1/4πε0 क्यू स्मॉल क्यू एक्स टू डी पावर माइनस 2 इंटू डी एक्स, लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी। अब समझो हम जनरलाइज कर रहे हैं, छोटे के लिए हमारे पास अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या था, ये था पूरे सेक्शन के लिए, यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, आर बी से आर ए तक। ओके ये हमारा लिमिट हो गया। अब इस लिमिट को एनालाइज करेंगे हम लोग, इस लिमिट को किस तरीके से जनरलाइज होगा। यहाँ तक क्लियर हो चुका है, चलिए तो यहाँ तक आप नोट करेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके आगे देखिए थोड़ा इसको आप और अच्छे से फील आएगा, अभी अभी इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, काफ़ी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं इसमें, यहाँ देखिए। सो डी डब्ल्यू का इंट्रीगेशन क्या हो गया डब्ल्यू, ओके कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक सिंपली, और यहाँ पे माइनस 1/4πε0 क्यू स्मॉल क्यू एक्स टू डी पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 एंड देयर लिमिट आर बी इंटू आर ए। ओके यहाँ तक सो कैन बी राइट डी डब्ल्यू माइनस ए माइनस 1/4πε0 क्यू स्मॉल क्यू माइनस 1/-1 आर ए इंटू आर बी लिमिट देयर आर बी आर ए। ओके ओके सो दिस टर्म्स कैन बी राइट बी ए ए बी यानी कि बी से ए तक का वर्क डन। ओके माइनस 1/4πε0 क्यू स्मॉल क्यू माइनस को बाहर ले लो तो ये माइनस इसको क्या कर देगा प्लस, और ये होगा 1/x और यहाँ लिमिट हो गया आर बी से आर ए। सो डब्ल्यू ए बी कितना होगा, डब्ल्यू ए बी हो जाएगा 1/4πε0 क्यू स्मॉल क्यू 1/RA माइनस 1/RB। दिस इज अमाउंट ऑफ वर्क डन। ओके अमाउंट ऑफ वर्क डन क्लियर हो चुका है, अब आगे बढ़ते हैं। अमाउंट ऑफ वर्क डन क्लियर हो गया, अमाउंट ऑफ वर्क डन क्लियर। नेक्स्ट तो हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी ए बी पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मूला क्या था, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू राइट। ओके सो वी ए बी इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू क्यू इंटू 1/RA माइनस 1/RB अपॉन कितना हो गया क्यू। सो वी ए बी 1/4πε0 1/RA सॉरी क्यू अपॉन 4πε0 1/RA माइनस 1/RB। दिस इज अ पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू सोर्स चार्ज, दिस इज अ पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू द सोर्स चार्ज। यहाँ तक क्लियर हो गया, अब हम दूसरे टॉपिक पर आते हैं, दूसरे टॉपिक को एनालाइज करते हैं यहाँ पे, और दूसरा टॉपिक क्या होगा थोड़ा सा उसको देखेंगे हम लोग।
मजेदार टॉपिक बिल्कुल नोट कर लिया होगा, अब तो मजा आ रहा होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल मजा आ रहा है। ओके नेक्स्ट टॉपिक देखो और फील होगा। ओके नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यहाँ फिर से अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब द अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में किसी चार्ज को कहां से, फील्ड के बाहर से, उस फील्ड के बाहर के पोजीशन को हम क्या बोल सकते हैं? सो वी कैन नॉट फाइंड कि वो प्लेसेस कहां पे होगा, इसलिए हम उसको बोलते हैं इन्फिनिटी पोजिशन। ओके तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? वी स्मॉल वी होता है पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल वी, और यहाँ क्या होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। ओके यहाँ तक सपोज ओ इन्फिनिटी से लेकर आ रहा है, कहाँ से? इन्फिनिटी से कहाँ तक? ए तक लाने में। इन्फिनिटी से ए तक लाने में आपको पोटेंशियल्स बतानी है, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। नाउ मैंने ये एक बोल दिया सोर्स चार्ज क्यू, जिसका फील्ड ये है। ये क्या है? इसका फील्ड। और कहाँ तक फील्ड है इसका? तो मैंने ले लिया इसका फील्ड सिर्फ यहाँ तक है, यहीं तक इसका फील्ड है, इसका रेंज यहीं तक है। तो मैंने क्या किया इस कंडीशंस में, मैंने चार्ज को कहाँ से ला रहा हूँ? कहीं इन्फिनिटी से, यानी आउट ऑफ फील्ड। कहाँ से ला रहा है? कहीं से, किसी और पोजीशन से ला रहा है। और ये पोजीशन क्या है? इन्फिनिटी। क्या है ये पोजीशन? इन्फिनिटी। ओके इन्फिनिटी से लेकर के कहाँ आनी है? इन्फिनिटी से, यानी कि ये पोजीशन इस वाले से कितनी डिस्टेंस है? ये इन्फिनिटी डिस्टेंस है। क्या है ये? इन्फिनिटी डिस्टेंस। कहाँ तक लाना है? तो मैंने ज़ूम कर लिया कि इसको यहाँ तक लानी है, ए तक, जिसका इस वाले सोर्स चार्ज से जो डिस्टेंस है, टेक आर ए। क्या डिस्टेंस है? आर ए डिस्टेंस है, राइट? ओके अब हम ये ज़ूम करेंगे इसमें भी फॉर्मूला फिर से। ये हमें चाहिए अमाउंट ऑफ वर्क डन। ओके अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें कुछ वर्क किया होगा इसने। फिर से ज़ूम कर लेते हैं, छोटा सा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ये हो गया डी एक्स, ये डिस्टेंस क्या हो गया डी एक्स हो गया। इसको नाम दे दिया ए डैश बी डैश। और इस पोजीशन में लाने के लिए तो हमने एज्यूम किया कि ये वाला डिस्टेंस एक्स है यहाँ से, सो अमाउंट ऑफ वर्क डन यहाँ से डी डब्ल्यू। फिर से इसको इधर लाएंगे तो फोर्स कहाँ अप्लाई होगा? इधर। डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे होगा? इधर। और बीच का एंगल कितना होगा? 180। और कॉस 180 की वैल्यू कितनी होगी? माइनस वन। कितनी होगी? माइनस वन, राइट? ओके सो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या होगा? एफ इंटू डी एक्स कॉस 180। सो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डी एक्स माइनस कॉस 180 इज माइनस। सो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। पहले वाला टर्म्स ही चल रहा है, मजेदार बिल्कुल, तो कॉपी हो रहा है पीछे का, कोई नहीं, याद रहेगा ये भी। अब यहाँ देखते हैं थोड़ा सा और पोजिशन पे आते हैं। ओहो हमने तो फुल बना दिया इसको, कोई बात नहीं। अब इसको हम इंट्रीगेट कर देंगे। क्या कर देंगे इसको? इंट्रीगेशन बोथ साइड, बोथ साइड हम इंट्रीगेशन करेंगे। तो ये कितना होगा? डी डब्ल्यू। ओके कहाँ से कहाँ तक? इन्फिनिटी से ए तक। वर्क डन बतानी है माइनस 1/4πε0 क्यू स्मॉल क्यू एक्स टू डी पावर माइनस टू डी एक्स। और यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास? तो इन्फिनिटी से कहाँ तक आ रहे हैं हम लोग? ए तक आने का अमाउंट ऑफ वर्क। क्लियर? ओके सो डी डब्ल्यू का इंट्रीगेशन क्या हो गया? डब्ल्यू। ओके डी डब्ल्यू का इंट्रीगेशन डब्ल्यू इन्फिनिटी से ए। ओके यहाँ तक समझते हैं। माइनस 1/4πε0 क्यू क्यू पर जूम करेंगे यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा? एक्स टू डी पावर माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस वन। और यहाँ पर हो गया इन्फिनिटी टू ए, ये हो गया डी डब्ल्यू माइनस इन्फिनिटी। और माइनस 1/4πε0 क्यू स्मॉल क्यू कैन बी राइट एक्स टू डी पावर माइनस 1/-1 इन्फिनिटी टू ए। यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके वेरी गुड। इस माइनस को बाहर लाओ, इस माइनस को इसने प्लस बना दिया, और इसको लिख सकते हैं ए इन्फिनिटी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन 1/4πε0 क्यू क्यू कैन बी राइट 1/x ए इन्फिनिटी। सो ए इन्फिनिटी इक्वल्स टू 1/4πε0 1/RA-1/∞। ओके सिंस 1/∞ की वैल्यू कितनी होती है? जीरो।
तो डब्ल्यू ए बी कितना हो गया 1/4π एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो गया स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू इंटू 1/r a। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारे पास पोटेंशियल का क्या है, v इक्वल्स टू डब्ल्यू ए इंफिनिटी अपॉन क्यू, इसकी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर ए अपॉन कितना हो गया क्यू, क्यू से क्यू क्या हो गया कैंसिल, सो v इक्वल्स टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर ए। दिस इज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द